हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मॉमी स्प्राइट। दोस्तों, मेरा नाम है राधिका और आज का जो वीडियो होने वाला है वो स्पेशली उन कपल्स के लिए होने वाला है जो लोग प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं कुछ अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स के बारे में। वो सिम्टम्स अगर आपको अपने अंदर दिख रहे हैं तो इसका मतलब हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो कन्फर्म हो चुकी है। ऐसे तो दोस्तों, मैं अगर बात करूँ प्रेगनेंसी कन्फर्म करने के काफ़ी ईजी और सरल मेथड्स अवेलेबल हैं, तो पहला उनमें ये है कि आपके पीरियड्स मिस हो जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि आपको प्रेगनेंसी है या हो सकती है। दूसरा ये है कि आप मार्केट से ईजीली प्रेगनेंसी टेस्ट किट लेकर आ सकते हैं और आप घर में प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं उस किट के थ्रू, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको प्रेगनेंसी है या नहीं। इसके अलावा भी ऐसा होता है कि पीरियड्स मिस होने के एक या दो वीक के अंदर काफ़ी सारे ऐसे सिम्टम्स हैं, कॉमन सिम्टम्स हैं, जो कि हर वो लेडी जो प्रेग्नेंट होती है उसमें देखने को मिलते हैं। ये जो सिम्टम्स मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में, ये मोस्टली 80-85 वुमेन्स में रहते हैं ये सिम्टम्स। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिनके सिम्टम्स अलग होते हैं, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करने वाले हैं। इन जनरल जो सिम्टम्स रहते हैं इनिशियल प्रेगनेंसी फेज में, उन सिम्टम्स को इस वीडियो के थ्रू आपसे शेयर करूंगी। ये वीडियो मुझे बनाना इसलिए ज़रूरी लगा गाइस, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम काफ़ी सारे कपल्स ऐसे हैं जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं हर मंथ, और उनको बाय द एंड ऑफ द मंथ ही इंतज़ार रहता है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो अगर आपके अंदर इसमें से कोई भी सिम्टम दिख रहा है या ये सारे सिम्टम्स आपको हो रहे हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको प्रेगनेंसी कन्फर्म हो चुकी है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए, ताकि इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आप सभी के लिए लाते रहें। साथ ही बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि इस चैनल के इंस्टेंट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। और अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, देन डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज इंस्टाग्राम पे हम अपने बहुत सारे पर्सनल अपडेट्स शेयर करते हैं। तो चलिए अब लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं अब सबसे पहले सिम्टम की। ऐसे तो काफ़ी सारे सिम्टम्स रहते हैं जनरली, और आप इजीली एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट लाकर भी अपनी प्रेगनेंसी कंफर्म कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी नहीं करना चाहते, तो आपके अंदर अगर इनमें से कोई भी सिम्टम दिख रहा है तो होना हो कि आपको प्रेगनेंसी कन्फर्म हो चुकी है। तो सबसे पहला और सबसे मेन जो सिम्टम मेरे अकॉर्डिंग है वो है आपको ब्रेस्ट में हैवीनेस फील होना स्टार्ट हो जाएगी। अब लेडीज, होता क्या है कि प्रेगनेंसी के दौरान एक फीमेल बॉडी के अंदर एक विमेन में काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से क्या होता है, आपको इनिशियल प्रेगनेंसी फेज में यानी अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स में आपको हैवीनेस फील हो सकती है अपने ब्रेस्ट में, काफ़ी ज़्यादा भारीपन महसूस हो सकता है, पेन वगैरह कई लेडीज़ को रहता है, और कई केसेस में ऐसा रहता है कि जो निप्पल्स रहती हैं वो भी डार्क होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये सबसे एक मेजर और कॉमन अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम है, ब्रेस्ट में हैवीनेस फील होना, ब्रेस्ट में पेन होना। अगर ऐसा कुछ आपको हो रहा है तो आपको सावधानी रखनी चाहिए, हो ना हो आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो चुकी है। दूसरा प्रेगनेंसी सिम्टम है गाइस मॉर्निंग सिकनेस। ये मोस्ट कॉमन प्रेगनेंसी सिम्टम है। ऐसा जनरली देखा गया है कि जब भी एक लेडी की प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तो उसको मॉर्निंग सिकनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहती है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो इनिशियल 3 मंथ्स यानी कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस रहती थी। तो मॉर्निंग सिकनेस में आपको जनरली बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी वीक फील करेगी, थकान महसूस होगी, आपका बेड से उठने का मन नहीं करेगा, आपको वॉमिटिंग हो सकती है, चक्कर आना, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी जो कहीं ना कहीं है काफ़ी ज़्यादा वीक करेगी इनिशियल पीरियड में जब आप सोकर उठोगे, और उसके बाद थोड़े आर्स बाद 10-11-12 बजे तक आपको थोड़ा थोड़ा ठीक फील होगा। तो मॉर्निंग सिकनेस बहुत ही ज़्यादा कॉमन सिम्टम है अर्ली प्रेगनेंसी का, और ये जो सिम्टम है गाइज ये 85% लेडीज़ में देखा जाता है उनकी अर्ली प्रेगनेंसी स्टेज में।
तो मॉर्निंग सिकनेस भी आपको हो सकती है अगर आप इनिशियल प्रेगनेंसी फेज में हैं तो। अगली जो चीज़ आपको हो सकती है दोस्तों वो हो सकती है ब्लड स्पॉटिंग। ये भी काफ़ी सारी लेडीज़ के इनिशियल प्रेगनेंसी में देखा गया है। इससे आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। कई बार तो ये जो ब्लड स्पॉटिंग रहती है वो इतनी ज़्यादा माइनर रहती है कि हम ध्यान ही नहीं दे पाते। अब ब्लड स्पॉटिंग होती क्यों है वो मैं आपको बताती हूँ। ब्लड स्पॉटिंग इसलिए होती है क्योंकि जो फर्टाइल एग है वो जब आपके यूट्रस से टच होता है, टकराता है, तो वहाँ पर थोड़ी सी ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है जो कि हमारे यूरिन के थ्रू पास आउट होती है। तो वो कई बार इतनी ज़्यादा माइनर होती है कि हमें पता भी नहीं चलता, तो उससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इस तरह की थोड़ी बहुत ब्लड स्पॉटिंग हो रही है इनिशियल प्रेगनेंसी डेज में तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, और इसे भी एज अ अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम के तौर पर ही डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं कि ब्लड स्पॉटिंग होना एकदम नॉर्मल है, क्योंकि जब वो फर्टाइल एग जाकर मिलता है आपके यूट्रस से तो ये सारी चीज़ें काफ़ी सारे हॉर्मोन्स भी रिलीज होते हैं उस केस में, तो ये सारी चीज़ें होना एकदम नॉर्मल सी चीज़ है। अगला जो प्रेगनेंसी सिम्टम है गाइज वो है मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स तो एक तरह से पूरे आपके जो 9 मंथ की प्रेगनेंसी है उसमें ही रहता है, बट अर्ली स्टेज में भी कई बार ऐसा देखा गया है कि विमेन्स को मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होने लगती है। वो कई रीज़नों से हो सकती है, आपको नींद की कमी से हो सकती है, थकान की वजह से, मॉर्निंग सिकनेस की वजह से। मूड स्विंग्स होना एकदम नॉर्मल सी चीज़ है। अब होता क्या है, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि प्रेगनेंसी में एक विमेन की बॉडी में काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिस वजह से जो एक विमेन है, जो एक लेडी है, उसको डिफरेंट डिफरेंट प्रेगनेंसी स्टेजेस पर डिफरेंट डिफरेंट तरह की ये इस तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं। और प्रेगनेंसी में ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में काफ़ी सारे हार्मोन्स डेवलप भी हो जाते हैं, उनमें से कुछ हार्मोन्स ऐसे रहते हैं जो हमारे माइंड को कंट्रोल करते हैं, जिस वजह से मूड स्विंग्स होना एकदम नॉर्मल सी बात है। तो अगर आपको मूड स्विंग्स हो रही हैं तो ये भी एक अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम ही है। अगली जो चीज़ है दोस्तों, अगला जो सिम्टम है वो है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी कि आपको बार बार वॉशरूम यूज़ करने के लिए जाना पड़ेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूरिन आ रही है। ये होना एकदम नॉर्मल सी चीज़ है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। होता क्या है कि प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में HCG नाम का एक हार्मोन डेवलप हो जाता है जो कि आपकी किडनी में जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको इतना ज़्यादा बढ़ा देता है कि आपको बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होने लगता है। तो ये भी एक अर्ली प्रेगनेंसी का सिम्टम है। ये हालांकि आपको 3-4 मंथ्स यानी आप जब अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट कर लेंगी उसके बाद ये प्रॉब्लम नॉर्मल हो जाती है, पर जनरली केसेस में ऐसा देखा गया है कि इनिशियल प्रेगनेंसी में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, जिस वजह से आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि आपको प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है। ओके दोस्तों, तो अगला और लास्ट मेरे हिसाब से जो प्रेगनेंसी का मेजर सिम्टम है अर्ली प्रेगनेंसी का वो है ब्लोटिंग या कॉन्स्टिपेशन आप कह सकते हो। गाइस, प्रेगनेंसी में होता क्या है कि काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डेज। तो इस वजह से आपको क्या हो सकता है, ब्लोटिंग होना, पेट में दर्द होना, मरोड़ होना, आपका पेट क्लियर ना होना, इस तरह की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कई फीमेल्स को गैस की प्रॉब्लम बहुत रहती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये सारा का सारा जो भी है ये एकदम नॉर्मल है, स्पेशली ये इनिशियल जो प्रेगनेंसी होती है उसमें ज़्यादा आपको प्रॉब्लम देता है। एक बार जब आप अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट कर लेते हो तो ये सारी प्रॉब्लम्स एकदम नॉर्मल हो जाती हैं और आपकी प्रेगनेंसी बहुत ही अच्छे से बीतती है। तो ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन दोनों ही आपको अगर आपके पीरियड्स मिस होने के बाद हो रहे हैं या आपके पीरियड्स की डेट अब आने वाली है और आपको इस तरह के सिम्टम्स लग रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको प्रेगनेंसी कंफर्म हो चुकी है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आई होप आप सभी को इससे थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। अगर आपको इस तरह के कोई भी सिम्टम दिख रहे हैं तो हो ना हो आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो चुकी है। अब आपको खुद का और भी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूंगी, अगर आपको इसमें से कोई भी सिम्टम दिख रहा है तो आप एक मार्केट से टेस्ट किट लाकर आप घर में ही टेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप
अपने जो भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये सारे मोस्ट कॉमन प्रेगनेंसी सिम्टम्स थे जो कि 80-85% वेमेंस में देखे जाते हैं। इनके अलावा काफ़ी सारे प्रेगनेंसी सिम्टम्स हैं जो कि अर्ली प्रेगनेंसी में देखे जाते हैं, बट वो एक एक्सेप्शनल केस होता है। मोर ओवर 20-15% लेडीज़ में ही वो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ये जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए, ये सिम्टम्स मुझे भी पर्सनली हुए थे, तो इसलिए मुझे लगा क्यों ना इस पर एक वीडियो करना चाहिए और आप लोगों को जिससे कि हेल्प हो जाए, अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं तो आपको पता चल जाए कि आपने कंसीव अप कर लिया है। तो गाइज, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक ज़रूर कीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। और अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है देन यू आर मिसिंग सो मच, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी जाकर ज़रूर फॉलो कीजिए। तो चलिए गाइज, मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग मॉमी स्प्राइट।